हेलो एवरीवन, ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल चल रहा था। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे थे। रेक्टेंगल के बारे में मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी थी, जो भी उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं सारे आपको बता दिए गए हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल के क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने दो क्वेश्चन पहले ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले एक ईजी सा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या लिखा गया है देखिए। इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये पूरा ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है, बनाया नहीं गया था, मैंने बना लिया है जिससे ईजी हो, जल्दी हो सॉल्व करने में। पॉइंट पी और क्यू किस साइड पे हैं, ए बी पे हैं। ऐसे हैं कि ए पी, पी क्यू और क्यू बी, इनका रेशियो 3:4:5 का रेशियो दिया गया, ठीक है। तो अब इनको बना लीजिए, फिर आपको ये जो पूछा गया वो निकाल दीजिएगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को लिया है। तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी बना लेंगे पूरा रेक्टेंगल, और इसके बाद आपसे कहा गया पी और क्यू पॉइंट ए बी पर है, तो पी पॉइंट कहीं पर ले लिया और क्यू पॉइंट कहीं पर ले लिया, ठीक है। अब इसको दिया गया ये 3:4:5, ये रेशियो दिया गया है। अब इन्हीं को मिलाना है और केवल इसको सॉल्व कर देना है। देखिए हम इनको यहाँ से मिला देते हैं, इनको भी यहीं से मिला देते हैं, और Q को भी यहीं से मिला देते हैं, मतलब C पॉइंट से तीनों को मिला दिया। अगर हम ऐसा बना देंगे तो आपको एक पुराना तरीका याद आना चाहिए, पुराना रूल याद आना चाहिए कि अगर किसी भी बेस को, एक ही ट्रायंगल में बेस को जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होती है। मतलब ये एरिया 5 हो जाएगी, ये एरिया 4 हो जाएगी, और ये एरिया 3 हो जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये 3:4:5 यानी ये टोटल एरिया कितना हो गया, 12 हो गया। ये एरिया 12 हो गया। आपको मैंने बताया है कि पैरेललोग्राम कोई भी हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रॉम्बस हो, या फिर स्क्वायर हो, ये जो डायगोनल होता है इसको दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। ये पूरा इक्वल एरिया अगर है तो ये टोटल 12 हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 12। अब आपसे जो भी पूछा गया निकाल दीजिए। पी क्यू सी पूछा गया है, तो पी क्यू सी ये एरिया 4 हो गया है, और ए बी सी डी 12 + 12 = 24, यानी इसका रेशियो जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3/24 यानी 1/8, ये आना चाहिए आपका आंसर। समझ गए होंगे, अगले क्वेश्चन पे आइए। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसको हम दो तीन तरीके से आपको समझा देते हैं। सबसे पहला तरीका, तो सबसे आसान सा तरीका है, अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये कोई एरिया मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ऐसे कुछ करते हैं, ठीक। जैसे इस वाले एरिया को अगर हम 1 मान लेते हैं, कौन सा एरिया, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अगर 1 हो गया, तो आपको क्या पता है कि जो डायगोनल होता है इस पूरे रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसकी वजह से ये अगर 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा एरिया, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि आपको फिर से क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए ई एफ सी, ये भी एक रेक्टेंगल ही है। अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको मैंने बताया कोई भी पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम कहने का सेंस आप समझ सकते हैं ना, कि चारों चीज़ें पैरेललोग्राम होती हैं। पैरेललोग्राम भी पैरेललोग्राम तो है ही, इसके अलावा इसके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और रॉम्बस है, चारों के चारों में ये रूल अप्लाई होता है कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच बना सेम बेस पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो पूरे रेक्टेंगल का आधा होता है। मैंने बताया है आपको, क्वेश्चन करवाया है, अगर नहीं याद है तो आप फिर से लिख लीजिए कि दो समान समांतर रेखाओं और एक समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज क्षेत्रफल का आधा होता है। मतलब कभी भी आपको मिले, ये शायद मैंने बताया है आपको, कभी भी आपको कोई भी, चाहे पैरेललोग्राम मिले, रोम्बस मिले, स्क्वायर मिले या रेक्टेंगल मिले, उसमें सेम बेस, मतलब ये बेस है तो यही बेस और हाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब भी हाइट लीजिए तो कैसी, जो दो समांतर रेखाएं दी गई हैं आपको क्वेश्चन में, तो ये दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, तो इसमें अगर ऐसे हम ट्रायंगल बना देते हैं सारे, ये सभी, अगर एक भी ट्रायंगल का एरिया आप निकालना चाहिए तो इस ट्रायंगल का एरिया पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया का डबल होगा। यानी रेक्टेंगल बनाए तो रेक्टेंगल का डबल, पैरेललोग्राम बनाए पैरेललोग्राम का डबल। समझ गए, ये होता क्यों है, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया है, तो अभी फिर से हम रिपीट नहीं करते हैं उसको। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। तो अगर आपको ये तरीका याद है, ये चीज़ें आपको याद है कॉन्सेप्ट, तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये 1 हो गया अगर एरिया, तो इस पूरा एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ई एफ सी, ए ई एफ सी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का डबल होगा। तो इसके एरिया क्या हो गया, 2 हो गया, और ए बी सी डी का एरिया क्या हो गया, 1+1 = 2, यानी रेशियो क्या आ गया, 1:1।
ये था पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, अगर इसको समझ पाए हो तो बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर आपने कहीं इसको पढ़ा होगा तो बहुत सारी जगहों पर बहुत तरीके से बताया जाता है, कुछ टफ़ मेथड, कुछ आसान मेथड। देखिए एक दो और मेथड बताते हैं आपको। एक तरीका क्या जो अभी मैंने बताया, उसके अलावा ये चूँकि हमें पता है ये क्या है, रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये हो गया। अगर हम इससे परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दें, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो फिर आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। कैसे, अगर आप देखिए तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर आप डालते हैं तो उसकी वैल्यू निकालना आसान होता है, बहुत ईजी होता है। याद होगा आपको लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। तो अब आपको हाइपोटेन्यूज लेंथ ब्रेथ पता होनी चाहिए, कैसे पता होनी चाहिए, वो सारी दी गई हैं। ए बी आपको दिया गया है ये 8 है और ए डी दिया गया है 6 है। अगर ये 8 तो ये 6, ये भी 8 होगा, ये भी 6 होगा, तो 8 और 6, तो ये जो इसका आपको डायगोनल दिखाई दे रहा है, डायगोनल कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10, याद होगा आपको, ट्रिपल 8। ए सी जो आ गया 10 आ गया। अब आप इसका निकाल सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट पी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बी पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, कैसे, 8 इंटू 6 अपॉन 10 कितना आएगा, 4.8। इतने की वैल्यू आ गई 4.8। आपको क्या पता है कि अगर हमें एरिया निकालना होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तो हम क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मतलब ए ई एफ सी का एरिया निकालना आसान हो गया। अब इस वाले आते हैं जो हमें निकालना है, ठीक है। अब ए बी सी डी का एरिया सबसे आसान है निकालना, परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी एल इंटू बी, 8 इंटू 6 हो गया अपॉन, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसकी हाइट दी गई है, ये देखिए पूरे क्वाड्रिलेटरल की हाइट है, या फिर आप हाइट नहीं सोच पा रहे हैं तो यही तो बराबर होगा इसके, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। जैसा भी कर पाइए आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे इसको बी मान लीजिए ब्रेथ, या फिर यही हाइट है, दोनों भी चीज़ें हुए सेम आंसर आएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो बेस 10 है, देखिए ये पूरा बेस 10 है और हाइट कितनी है 4.8, देखिए 8 × 48 1:1। अब समझ गए होंगे मुझे लगता है, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। अब अगली चीज़ पे आते हैं, इसी में दो चीज़ें मैंने पूछी हैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। ये तो समझ में आ गया होगा 1:1 होगा, आपसे पूछा गया ए ई बी यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया और सी बी इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब कुछ लोग होंगे क्या करेंगे, वो जुट जाएंगे निकालने, वो होता नहीं कि कुछ भी बोलिए बस जो दिखा उसी में जुट गया, जुटिए नहीं, आसान चीज़ें खोजिए, इसका और इसका एरिया का सम इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये बस सोच लीजिए, इतना ही सोचना है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर पिछली क्लास शायद आपको समांतर चतुर्भुज जब शुरू में पढ़ाया था पैरेललोग्राम, तो मैंने बताया था आपको कि अगर बेस को हम पूरा डिवाइड कर रहे हैं, देखिए ये प्लस ये दोनों मिलकर पूरा बेस कवर कर रहे हैं और हाइट देखिए सेम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के साथ आया है ये रेक्टेंगल, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच होता है हमेशा हाइट सेम होती है। तो अगर हाइट सेम है और दोनों मिला के इसका पूरा बेस बना रहे हैं तो पूरा एरिया किसके बराबर होगा, ट्रायंगल के बराबर होगा। आप चाहिए तो निकाल के भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये इतनी डिस्टेंस अगर एक्स मान लीजिए, ये इतनी डिस्टेंस वाई मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया बताइए हाफ, बेस यानी एक्स और हाइट कितनी है, आपको पता है जो हाइट होती है, मान लीजिए ये एच है तो ये एच हमेशा समान रहती है, पता है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। ये हो गया इसका एरिया, प्लस हमें दूसरा वाला क्या निकालना है, हाफ वाई इंटू एच, यही होगा। अगर इन दोनों को आप हाफ एच कॉमन करके लिख दीजिए तो एक्स प्लस वाई आएगा, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ये पूरी साइड और पूरी लेंथ कितनी दी गई है, 10 दी गई है। तो आप क्या कह सकते हैं, हाफ एच कितना आया है, 4.8 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 24। और यही आप चाहते तो आप यही सेम एरिया क्या लिख सकते थे, ये वाला, ये जो उल्टा ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया भी सेम आएगा, निकाल के देख लीजिए, हाफ बेस कितना रखेंगे, 10, और हाइट कितनी रखेंगे, 4.8। देखिए यही चीज़ तो यहाँ भी आई थी, तो वही मैंने बताया कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि पूरे बेस को ये कवर कर रहा हो तो इस पे जो भी ट्रायंगल बना होगा उसी ट्रायंगल के एरिया के बराबर होंगे दोनों को मिला के। अब दो हो, चार हो, छः हो, सब बना के मैंने पैरेललोग्राम में आपको समझाया था,
तो मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करिएगा खुद से। आपसे कहा गया कि एक फिगर दिया गया है जिसमें ए बी सी डी पी क्यू ए पी क्यू आर दोनों रेक्टेंगल्स हैं जो इक्वल साइड्स के हैं। इक्वल साइड्स मतलब जो पहले वाले रेक्टेंगल की साइड है वही दूसरे वाले की साइड है, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है ए पी ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ए बी सी डी पी इसका एरिया निकालना है। ए बी सी डी पी मतलब समझ रहे हैं, ए बी सी डी पी यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक, सॉरी ए बी सी ई पी है, ये निकालना है आप, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कैसे निकलेगा ये चीज़, ऐसे निकलेगा कि अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल में से इस पार्ट को माइनस कर दें तो ये एरिया आ जाएगी जो आपसे पूछी गई, ठीक है। अब कैसे आएगी ये चीज़, यही चीज़ देखनी है। सबसे पहले आपको दिया गया ए बी ए पी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर दूसरी वाली साइड दी गई है बी सी, ये 12 सेंटीमीटर है और इसकी भी दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर होगी क्योंकि बोला गया है सेम साइड के, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात तो हमें ये नहीं पता है, ये इतना पता होता है तो हम इसके एरिया निकाल सकते थे। कैसे, इसका एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला के इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, तब आपके लिए आसानी हो जाएगी। कैसे, क्योंकि ये भी क्या बना था, रेक्टेंगल, तो ये 90 होगा, इसमें भी ये भी चूँकि रेक्टेंगल है तो ये सभी एंगल 90 होंगे। अब देखिए आसान हो जाएगा, इसका एरिया आपको माइनस करना है, अब दोनों का एरिया केवल आपको निकालना है बस, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या दिया गया था कि हमें ये 12 दिया गया है तो हम ये भी 12 लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें दी गई थी जो कि शायद यहाँ पर लिखी नहीं गई है, ये दिया गया था 7 सेंटीमीटर, सी ई दिया गया था 7 सेंटीमीटर, तो ऐसे ऐड कर लीजिएगा सी ई 7 सेंटीमीटर। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 है तो ये बचा 1, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होना था, तो ये 7 हुआ तो ये 1 हुआ। अब निकाल लीजिए कि ए ई की लेंथ क्या हो जाएगी। ए ई की लेंथ क्यों निकालनी है आपको, क्योंकि आपको इसका एरिया निकालने के लिए ये और ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता होने चाहिए। इसका एरिया तो हमें पहले ही पता चल गया, 12 और 1 परपेंडिकुलर बेस दोनों पता है, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस दोनों पता होना ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 144 प्लस 145, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट का 145। अगर ये स्क्वायर रूट का 145 हो गया, ये 8 हो गया, तो तीसरी साइड निकालना आता है, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाइए, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट 145 का स्क्वायर 145 और माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो फिर क्या आ जाएगा, कितना आया 145 और माइनस 8 का स्क्वायर 64, यानी कितना बचेगा 1 और 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लीजिए तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आपके लिए बहुत ही आसान है पूरा क्वेश्चन, कैसे कि ए बी सी डी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, कि ए बी सी डी का एरिया लिखेंगे पहले, उसमें से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल ए पी ई का एरिया और किस ट्रायंगल का एरिया, ए ई डी का एरिया, ए डी ई या ए डी जो भी कह लीजिए, ये इतना माइनस करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा ए बी सी ई पी, ये ए बी सी ई पी ये जो बनेगा फिगर है ना, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 12 × 8 ये हो जाएगा माइनस, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए पी ई का एरिया, हाफ हाइट इंटू बेस प्लस इसका एरिया, हाफ हाइट इंटू बेस है ना, ये आ गया। अब यहाँ से आप थोड़ा सा इजी करने के लिए हाफ कॉमन कर सकते हैं, ये 72 हो गया, 74 84/2 यानी 42 आ जाएगा, और 12 × 96 माइनस 42 कितना मिलेगा आपको, 54 एरिया आनी चाहिए जो आपसे पूछा गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम, देखिए दो बेहतरीन से बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन, पहला तो बहुत ही इजी है, बस आपको लेकिन कॉमन सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, आपके पास दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपसे कहा गया कि अ रेक्टेंगल हैज़ बीन कट इनटू 3 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। सबसे पहले आपसे कहा गया कि एक रेक्टेंगल है बड़ा सा, जिसको आपने ये ऐसे और ऐसे कट करके 1, 2 और 3
कॉन्ग्रुएंट रेंगल सॉरी कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स बना दी। ठीक है, अब अगर हम इसकी लेंथ मान लें कि एल है, बड़े वाले की लेंथ, और बड़े वाले की ब्रेथ बी है, तो आपको दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट होगा, ये श्योर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल है, तो ये ब्रेथ और ये ब्रेथ तो आपस में बराबर होनी चाहिए। पूरी ब्रेथ आपको दिख रही बी थी, तो ये आधी आधी, तो बी बाई टू, और ये हो जाएगा बी बाई टू। इस बात में कोई समस्या नहीं होगी। फिर आगे बढ़िए, ये अगर बी बाई टू, ये बी बाई टू, तो आपको पता है कि ये भी तीसरा वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है, ये भी इसी का कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसकी भी ब्रेथ क्या हो जाएगी, बी बाई टू। समस्या नहीं है कोई। अब आपको क्या दिख रहा है कि इस वाला जो ये उल्टा क्या खड़ा हुआ है रेक्टेंगल, जो खड़ा खड़ा रखा गया है, इसकी लेंथ क्या है, बी। देखिए इसकी लेंथ बी और ब्रेथ बी बाई टू। तो अगर ये जो दोनों रेक्टेंगल्स हैं इनकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए, बी, और ये ब्रेथ बी बाई टू। देखिए, समझ गए ना। देखिए इस चीज़ को एकदम क्लियर रखिएगा, क्या करना है आपको कि यहाँ पे मैंने पूरा ब्रेथ बी माना, तो चूंकि ये भी बराबर होगा, रेक्टेंगल है तो हर जगह 90-90 होगा, और आप एंगल निकाल ये साइड निकाल सकते हैं। ये पूरी साइड है बी, ये मिड पॉइंट होगा श्योरली, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसलिए ये बी बाई टू, बी बाई टू हो गया। अगर ये दोनों बी बाई टू हो गए, तो जो तीसरा वाला ये रेक्टेंगल रखा गया है, ये भी क्या होगा, बी बाई टू ही होगी इसकी भी ब्रेथ। अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगल था इसकी लेंथ थी बी, तो हमारे जो दो रेक्टेंगल्स जो दिख रहे हैं आपको, इसकी भी लेंथ क्या होगी, बी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बी है, ये बी बाई टू है, और ये पूरा मिला के हमने क्या माना है, लेंथ, है ना। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालना है, लेंथ ब्रेथ का रेशियो निकालिए। देखिए बी प्लस बी बाई टू, बी प्लस बी बाई टू जब कर रहे हैं आप, तो आपको क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। था इजी सा, बस थोड़ा सा आपका दिमाग चेक कर रहा था, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं किया है तो शायद नहीं कर पाइएगा। देखिए क्या दिया गया है आपको, एक रेक्टेंगल दिया गया है ए बी सी डी। इस रेक्टेंगल में कुछ आपको एरियाज दिए गए हैं, कौन कौन सा एरिया दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। देखिए सी पी जेड दिया गया है, सी पी जेड, ये जेड है, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं है, सी पी जेड 35 दिया गया है, इसका एरिया 35 है। फिर आपको दिया गया है ए क्यू एक्स, ए क्यू एक्स, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक। ए क्यू एक्स दिया गया है 13 cm², और आपको दिया गया है पी डी क्यू वाई, पी डी क्यू वाई, ये इतना एरिया दिया गया है 49। ठीक है, ये तीन एरियाज आपको दिए गए हैं, और आपसे कहा गया है कि बी एक्स वाई जेड, बी एक्स वाई जेड, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से है, ट्राई करिएगा करके। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी दिए गए हैं, जो भी एरियाज बच गए हैं, उनका एरिया हम मान लेते हैं। कुछ क्या मान लेते हैं, मान लीजिए जो निकालना है आपको, ये ए है, बचा हुआ ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, ये सारा हम एरिया मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और फिर से आपको याद दिला दें कि अभी मैंने बताया है और इससे पहले भी बता चुके हैं हम, कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब तुरंत आप समझ जाए करिए, चारों जो भी मैंने चार बताए हों, ठीक, तो उसमें कभी भी अगर आपको कहीं भी मिल जाए कि सेम बेस और सेम हाइट, यानी कि दो समान समांतर रेखाओं और समान आधार पर बना हुआ कभी भी ट्रायंगल मिल जाए और क्वाड्रिलेटरल मिल जाए, तो ट्रायंगल के एरिया का ये डबल होता है क्वाड्रिलेटरल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, और ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है क्वाड्रिलेटरल, जो भी समांतर पैरेललोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज, वो उसकी एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का डबल होती है। क्या क्या इसकी खासियत है कि बेस सेम होना चाहिए, मतलब यही बेस ट्रायंगल का भी है, यही बेस इनका भी है, और ये एक ही समान समांतर रेखाओं, यानी ऐसी, अब यहाँ बीच में बना दीजिएगा तो इसका नहीं होगा, केवल यहीं पर उसका एक वर्टेक्स हो और ये बेस सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, यही हम एक ही तरीका यही यूज़ करना है पूरे क्वेश्चन। ठीक, अगर आप देखिए कि ए बी सी, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी का एरिया का जब डबल करिएगा, तो ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल ए बी पी का एरिया क्या हो जाएगा, पूरा ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, श्योर है।
अभी मैंने बताया, तो वहाँ से आप क्या लिख लीजिए, ट्वाइस ऑफ ए बी पी का एरिया। ए बी पी का एरिया क्या है, ई प्लस ए प्लस सी, यानी ए ई और सी का सम, ये हो जाएगा इसका एरिया। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये पहले लिख लेते हैं, सी डी और ई, और इसके बाद कौन कौन बचा, ये जो नंबर्स दिए गए हैं 49 बचा, 35 बचा है और 13 बचा है, ये इतना होगा। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ ई ट्वाइस ऑफ सी यहाँ पे होगा, ए सी ई इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल ए प्लस सी प्लस ई, और यहाँ क्या बचेगा, ए चला गया सी चला गया ई चला गया, केवल बी प्लस डी बचा, और साथ में क्या बचा, 5 3 8 सात बचा, और 4 3 7 तो 9 ये बचा हुआ है। ये एक इक्वेशन आ गई आपकी, इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए, और सेम प्रोसेस दूसरी तरफ से करते हैं। देखिए ये बी सी जो लाइन है ये बेस मान लीजिए, और ये देखिए ये ट्रायंगल जो बन रहा है, समान समांतर रेखाओं और आधार समान आधार पर बना हुआ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो हम इस बार ये वाली चीज़ नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा नीचे, क्या लिखेंगे आप, ट्रायंगल बी क्यू सी का ट्वाइस इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल यानी रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो इनका एरिया लिखते हैं हम बी क्यू सी, बी प्लस ए प्लस डी, यही तो है, तो ए प्लस बी प्लस डी, ये इतना मिला, ये बराबर किसके होना चाहिए, अच्छा इसका ट्वाइस भी है तो ट्वाइस लगा लेते हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए, फिर से क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और प्लस इनका एडिशन 97 आपने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2a में से a माइनस होगा, केवल a बचेगा, 2b में से b माइनस होगा, b बचेगा, 2d में से d माइनस होगा, d बचेगा, a b d हटा दिया आपने तो c प्लस e बचा हुआ है और 97 बचा हुआ है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप चाहिए तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने में भी आराम से निकल जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, बढ़िया, सबसे आसान है कि इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, देखिए ए ए दो बार आ जाएगा, बी देखिए हम ऐड करके अच्छा लिख देते हैं, ठीक है आपके साथ, देखिए हम यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बचा है ए सी ई और यहाँ पे बचा है ए प्लस बी प्लस डी, ठीक, तो लिख लेते हैं ए सी ई और ए बी डी, ये बचा है। अब इधर वाला लिख लेते हैं इक्वल टू, इधर वाला लिखा है b प्लस डी प्लस 97 और इधर वाला क्या लिखा है c प्लस ई प्लस 97, यही इतना लिखा गया है, दोनों क्वेश्चन को ऐड करने पे ये आया। अब देखिएगा ध्यान से, तो b d c e b d c e कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा है यहाँ पे, केवल और केवल 2a बचा है, 2a की वैल्यू ट्वाइस ऑफ 97, तो a की वैल्यू 97 जो कि आपको निकालना था, देखिए ए हमने वही माना है जो आपको निकालना था, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो आपके सामने दो एक ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों हम आपको एक एक करके सॉल्व करवाते हैं, ऐसे क्वेश्चन चूंकि सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, इवन 2018 के पेपर में भी आए हुए, तो इनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत ही ईजी होता है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपने सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ा है या नहीं, ठीक है। मैंने कहा था सिमिलरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन से बेस है ना, पूरे रेक्टेंगल या ट्रायंगल जो भी पढ़ेंगे आप, पूरे ज्योमेट्री का बेस है सिमिलरिटी, मैंने कहा भी था कि ये हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ है पूरे ज्योमेट्री में, तो इस वजह से आप ज्योमेट्री में इसका विशेष ध्यान दीजिए सिमिलरिटी का, तो सिमिलरिटी अगर आपको आ रही है तो ये चीज़ें आप बहुत ईजिली कर ले जाएंगे। आपके सामने एक ही टाइप के दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, दोनों हम सॉल्व कराते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिमिलरिटी पूरे ज्योमेट्री का जिस्ट है, तो इस वजह से उसको बहुत अच्छे से पढ़ना था आपको, पढ़ा भी है आपने, नहीं पढ़ा है तो जाके सिमिलरिटी के क्लासेस देखिए और समझिए, ठीक है। अभी हम लोग सिमिलरिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिएगा। आपको क्या क्या दिया गया है, ई एफ सी का एरिया, ई एफ सी ये दिया गया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और दिया गया है बीएफसी का एरिया, बीएफसी ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर आपको पूछा गया है कि इस वाले का एरिया बताना है, एएफईडी, एडीईएफ जो भी कह लीजिए उसका एरिया बताना है। ठीक, बहुत ही ईजी है अगर आप समझ पाए होंगे सिमिलरिटी। तो आपने कहा कि अगर ये कोई पॉइंट है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल में अगर कोई एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को मिलाया जाता है तो जिस अनुपात में उसका जो रेशियो होता है बेस पे वही रेशियो होता है उनके एरिया का, ये पता है आपको, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं आप। तो इनका रेशियो क्या है, 4 चौक 16, 4 5 20, 4:5 है ना, ये बात तो पता है आपको। अगर ये 4:5 है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, देखिए दो पैरेलल लाइन, चूंकि आपको पता है ये पैरेललोग्राम से आया है रेक्टेंगल और इनकी दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच ये एंगल अल्टरनेट एंगल बराबर होने चाहिए ना। ये दोनों एंगल अगर बराबर हो गया और फिर ये शीर्षाभिमुख कोण अपोजिट एंगल ये बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो ये दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ये और ये दोनों अगर सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं कि इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, जो इनके साइड का रेशियो है, इनके साइड का रेशियो क्या है, 4:5 है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 16:25। देखिए 16 यहाँ हो गया है तो इसका एरिया क्या हो गया, 25। मान लीजिए यहाँ आता 2:5 आता तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए था 4:5 उनका स्क्वायर, 4:25, तो 4 की वैल्यू 16 हो जाती, 25 की वैल्यू डबल 50 हो जाती। समझ गए हैं, ये चीज़ें बहुत बार करवा चुके हैं इसलिए लिख नहीं रहे हैं। क्या करना था आपको, 16 और 20 का रेशियो आया 4:5 का, 4:5 को आपने सॉल्व किया जब, तो ये पता चला कि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे है तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे होना चाहिए। अब पूरा रेशियो क्या होना चाहिए ये बता दीजिए, इतनी बार कर चुके हैं याद हो गया होगा कि ये क्या है, डायगोनल है। डायगोनल क्या करता है, इसको इक्वल दो एरियाज में डिवाइड करता है, मतलब ये 25 और 20 45 एरिया ये पूरा है तो यहाँ भी कितना एरिया होना चाहिए, 45 एरिया होना चाहिए। टोटल ये पूरा एरिया ए डी सी का एरिया ये पूरा 45 हो गया, ये इतना 16 है तो बचा हुआ एरिया कितना है, 45 माइनस 16 यानी कितना हो जाएगा, 29। यही आपको निकालना था, समझ गए। अगर इस चीज़ को समझ पा गए तो अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, वो थोड़ा सा इससे लेवल अप है और शायद आपको कंफ्यूज करे। देखिएगा क्या करना था आपको, केवल M जो दिया गया है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब समझ रहे हैं, 1:1। अगर ये 1:1:2 हो गया पूरी साइड तो ये नीचे वाली साइड भी 2 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इनमें अपोजिट साइड्स बराबर होती है ना। अगर ये दोनों बराबर हो गए, आपको ये भी पता है कि पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, दो एंगल बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर है, 90-90 दिया गया है, और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो आप फिर से बिल्कुल बेसिक सी चीज़ रेशियो बराबर कर सकते हैं साइड का। तो देखिए इसमें सिंगल डॉट के सामने वाला और इसमें सिंगल डॉट के सामने वाले, ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे, रेशियो मैंने सिमिलरिटी में बहुत अच्छे से सिखाया है आपको। तो ये 1:2 हो गया, हो गया। अगर ये 1:2 हो गया तो आप कह सकते हैं कि एम बी सी इस ट्रायंगल में, देखिए वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को मिलाया जा रहा है तो क्या होगा, जिस रेशियो में इनका एरिया है उसी रेशियो में इनका बेस होगा, दोनों सेम होना चाहिए, यानी इनका एरिया का रेशियो क्या कह सकते हैं आप कि 1:2 हो गया, हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि ये एंगल 90 है इसमें और ये एंगल इसमें भी 90 दिया गया, कोई समस्या नहीं होगी इतने में। अगर ये दोनों 90 दिए गए हैं और आपको पता है कि ये दोनों ये इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम इनके इनके साइड्स का रेशियो निकालना चाहें तो बताइए कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि आपको दिया गया है एक एंगल ये बराबर है और दूसरा एंगल थीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये थीटा मान लें, ये अगर थीटा मान लें ये 90 है तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा होगा ना। अच्छा आपको पता था कि ये पूरा 90 है क्योंकि ये दिया गया था रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है ये 90 माइनस थीटा है तो ये बचा कितना, थीटा, फिर ये 90 है फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत बार ऐसा आपने किया हुआ है। तो आपको ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और तीसरा भी एंगल बराबर, तो ये भी आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे,
सिमिलर होंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके साइड के रेशियो का, अगर हम उनके साइड का रेशियो निकालना चाहें, सॉरी साइड के रेशियो का स्क्वायर क्या होता है, एरिया का रेशियो, ये रेशियो है ठीक है, ऐसा ही तो लिखते हैं आप। अगर ये होता है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनके एरिया का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो 1:2 दिया गया है, तो इनके साइड का रेशियो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल एम ओ सी ठीक है, इनके एरिया का रेशियो दिया गया है 2:1, पहले मैंने बी ओ सी लिखा है इसलिए 2:1, और यही क्या होता है साइड के रेशियो का स्क्वायर। साइड कौन कौन सी लेनी है, हमें बी सी लेनी है और सी एम ले लेते हैं ठीक है, इनका रेशियो का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से बी सी और सी एम का रेशियो निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट 2:1, मतलब इनके साइड का रेशियो 1 और स्क्वायर रूट 2 आ गया। अगर ये आ गया तब तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया गया, ए डी और ए बी का रेशियो पूछा गया, ए डी कितना आ गया, ए डी इसी के तो बराबर होगा, आपको पता होगा अपोजिट साइड्स इक्वल, रूट 2 हो गया, और ए बी, ए बी इसके बराबर होगा पूरा, ये देखिए 2 दिया गया है, तो रूट 2 से अगर डिवाइड कर दीजिए तो 1:√2 ही आंसर होगा आपका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप दो बार पॉज करके या फिर से उसको रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्टली ये लगा देंगे कि यहीं से इसका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से लगाया है इनका एरिया, हम इन दोनों को प्रूफ कर चुके थे सिमिलर, तो इन दोनों को जब सिमिलर प्रूफ करेंगे तब आप ऐसे लिखेंगे ठीक है। बहुत सारे लोग 1:2 लगा के चले जाते हैं जो आंसर गलत होता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इससे एक रेगुलर ऑक्टागन यानी अष्टभुज, सम अष्टभुज काटा जाता है, तो सम अष्टभुज यानी रेगुलर ऑक्टागन की एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बस आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होने चाहिए। ऑक्टागन कैसे काटेंगे, इसमें रेगुलर ऑक्टागन ऐसे करके कट लगा देते हैं, इसमें रेगुलर ऑक्टागन एग्जैक्टली हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये थोड़ी बड़ी साइड है, ये थोड़ी छोटी साइड है, बट आप मान के चलिएगा रेगुलर ऑक्टागन है, मेरी आर्ट्स अच्छी नहीं है तो ये हम मान लेते हैं ये रेगुलर ऑक्टागन है ठीक है। अगर ऑक्टागन की साइड को ए मानिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी। सबसे आसान तरीका है कि ऑक्टागन की साइड को मान लीजिए 2a, हम इसकी साइड को 2a हर जगह मान लेते हैं ठीक है। ये सारी साइड देखिए ऑक्टागन की साइड है और ये सारी 2a दी गई ठीक, तो हमें लास्ट में क्या निकालना होगा, 2a निकालना होगा क्योंकि हमने साइड 2a मानी ठीक। ये क्या दिया गया है 12 और ये क्या दिया गया है 10, ये इतना गिवन है। अगर ये पूरी साइड 12 है तो जिसमें से 2a घटा दें तो ये दोनों साइड बचेंगी और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। आपको पता ही होगा कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल भी आपस में करस्पॉन्ड करेंगे, थीटा 90-थीटा होंगे और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब आप समझ रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो 12-2a का आधा होगा, ये आधा ये होगा, श्योर है, तो 12-2a का आधा कितना हो जाएगा 6-a और ये कितना हो जाएगा 6-a। सेम एज इधर भी आ जाइए, ये पूरा 10 था, 2a को माइनस करिए 10-2a बनेगा और ये आधा आधा बट जाएगा यानी 5-a और 5-a हो जाएगा। अब अगर देख पा रहे हो तो ये पाइथागोरस बना रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 5-a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 36 और ये होगा a स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगा 25, a स्क्वायर माइनस 10, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर ठीक है। अब ये a स्क्वायर इधर लाइएगा तो 2a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे माइनस 22 था, 22a हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 61। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे तो आप क्या करिए कि पाइथा वो लगा दीजिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, श्रीधराचार्य सूत्र लगाइएगा तो क्या होता है उसका, a की वैल्यू माइनस बी
22 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर माइनस 4ac ए और सी यानी ये प्लस हो जाएगा 4 2 इंटू 61। अब यही तरह आपको सॉल्व करना है। अपॉन 2a होता है तो 2 इंटू ए मतलब 2, एक टू टू तो हमको यहाँ पे यूज़ करना है तो 2a यहाँ पे ले लीजिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 22 को 2 से डिवाइड करिएगा तो माइनस 11 बचेगा और प्लस माइनस अंडर रूट इसमें से क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या क्या मिल रहा है आपको, 11 दो ना 22 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 तो बाहर आ ही रहा है ना, 4 बाहर कर लीजिए पहले ही, कॉमन ले लीजिए, 4 बाहर करिएगा तो 2 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना बचेगा 11 का स्क्वायर 121 और ये 4 बाहर हो गया तो 6 दो ना 12 ये बचा हुआ है और अपॉन में ये भी लिख देते हैं, देखिए 22 ही लिखा था 22 ही रहने देते हैं, 2 से अब काटते हैं, ठीक 2 से अब कैंसिल कर दीजिए, माइनस 11 बचेगा यहाँ पे और ये कितना बचेगा 121 में 122 ऐड कर दीजिएगा तो 3 2 2 4 243 है ना, 243 में से फिर से आप क्या कॉमन कर सकते हैं 81, देखिए 243 4 3 7 2 9 9 से कट रहा है तो 9 से काट दीजिए तो 9 2 18 और 9 7 63 देखिए 9 3 27 फिर से तो 81 कॉमन लेते हैं, रूट 3 बचेगा, ठीक है तो 9√3 ये इतना बच गया। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखिए और आंसर आपका यही है, 2a की वैल्यू कितनी आ गई है 9√3 − 11 यही आपको निकालना था क्योंकि आपको पूछा क्या गया था ऑक्टागन की साइड और ऑक्टागन की साइड आपने माना था 2a, समझ गए। अगले क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया गया है, लिखा गया है कि आयत ABCD में दो समकोण त्रिभुज APB और CQD स्थित हैं, यदि DQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर CQ 24 सेंटीमीटर एंड AP 15 सेंटीमीटर तो आपको निकालना है रेक्टेंगल का एरिया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही माइंडेड क्वेश्चन मतलब माइंड लगाने वाला क्वेश्चन। देखिए हमें क्या करना है, कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, बहुत सारे चीज़ें हैं कि आप इसका हाइट निकालिए इसकी हाइट निकालिए दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है उसको हटा दीजिए तब भी आपका आंसर आएगा। आपको एरिया निकालना है मतलब क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लेंथ आपको ऑलरेडी दे दी गई है AP की वैल्यू दे दी गई है AP ये 15 सेंटीमीटर है, फिर आपको दिया गया है DQ दिया गया है 7 सेंटीमीटर और CQ दिया गया है 24, CQ यानी ये पूरी साइड 24 है, ठीक 24 है तो अगर ये 24 ये 7 तो ये 25, आपको ट्रिपलेट याद होंगे 7 25 24 का, तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 है तो आपको तो लेंथ पहले से ही पता है, केवल आपको निकालना क्या है ब्रेथ निकालना है, इसकी ब्रेथ पता चल जाएगी तो इसका एरिया आ जाएगा। ब्रेथ कैसे निकालेंगे बस वही आपका मेन टास्क। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम कहते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्या फ़ायदा होगा एक बार हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे एक बार इसकी लेंथ निकाल लेंगे और आपका आंसर आज क्लियर है। देखिए अगर इनको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, थीटा अल्फ़ा कुछ भी मान लीजिएगा, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 − α होगा और इसलिए ये वाला एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये इतनी बार आप कर चुके हैं आपको याद हो गया होगा कैसे करते हैं ना, ये अल्फ़ा ये 90 तो ये 90 − α ये 90 − α और ये पूरा 90 तो ये अल्फ़ा, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, मुझे लगता है सबसे आसान चीज़ है सिमिलरिटी लगा दीजिए, सिमिलरिटी में भी मैंने आपको टैन कॉट यूज़ करना बताया है शायद तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी कुछ भी है नहीं तो आप दूसरी तरफ आ जाइए, इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ये 15 है ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 20 होगा, 15 20 25 या आपको ऐसे नहीं याद है 3 4 5 तो याद ही होगा ना, तो 3 5 15 तो 4 5 20 5 5 25 यही कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम मान लें थीटा, ये थीटा तो ये 90 − θ क्योंकि यहाँ 90 है, ये 90 − θ तो ये भी थीटा, ये थीटा ये 90 − θ, इसमें तो कोई समस्या होगी नहीं। अगर इतने में समस्या नहीं है तो थोड़ा सा आसान कर सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे करेंगे देखिए अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालें, देखिए अपने हिसाब से सोचा करिए tan लेना है cot लेना है sin लेना है जो भी लें, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो हमें 90 के सामने यानी हाइपोटेन्यूज पता है इस ट्रायंगल का, हमें बाकी दोनों चीज़ें निकालनी है, बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो एक बार हम कॉस लगा देते हैं एक बार साइन लगा देते हैं, तो अगर आप साइन थीटा लीजिएगा
तो साइन थीटा निकाल लीजिए एक बार कॉस थीटा निकाल लीजिए, दोनों में आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। कैसे? देखिए यहाँ से साइन थीटा निकालिएगा तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए एम मान लेते हैं, तो पी एम जो है पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना 20। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है बेस, मैंने बोल दिया था गलती से, तो ये पी एम अपॉन 20 हो गया। लेकिन अगर साइन थीटा हम यहाँ से निकाल रहे हैं इस वाले ट्रायंगल से, थीटा तो सेम है ना, तो इस वाले ट्रायंगल से हम थीटा निकाल साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा कितना आएगा, बेस ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 20/25, यही तो होगा। और चूंकि दोनों बार आपने साइन थीटा निकाला है तो बराबर होने चाहिए, तो यहाँ से आपको पी एम की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करिएगा तो 5×5=25 और 5×4=20 और 5×4=20 यहाँ 16 आ जाएगा पी एम की वैल्यू। और आप यहाँ से निकाल लीजिए कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालने का फ़ायदा क्या होगा कि कॉस थीटा कैसे, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे 16 मिल गया वहाँ पे 20 मिल गया तो आप निकाल सकते हैं बी एम की भी वैल्यू। मुझे लगता है कॉस थीटा भी नहीं निकालिए, ये भी हटा दीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये इतना आ गया वैल्यू 16, ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, तो तीसरी वाली साइड निकालने के लिए अगर आपको याद हो ट्रिपलेट फिर से 5×4=20, 4×4=16, तो 4×3=12 होनी चाहिए, मतलब ये साइड 12 हो जाएगी ट्रिपलेट्स। समस्या नहीं है ना इतने में? अब आप फिर से देखिए, फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं, यहाँ देखिए अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने ये 16 दिया गया, परपेंडिकुलर दिया गया, परपेंडिकुलर पता है हमको निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो यहाँ क्या लगा दें, टेन अल्फ़ा हो क्या जाएगा इसमें, देख लीजिए टेन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 16/cm। और यही हम टेन अल्फ़ा इस वाले से निकाल सकते हैं, इस वाले में टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस 24/7, इसको डिवाइड कर दीजिए, 8×2=16, 8×3=24 हो जाएगा, सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/3। देखिए सी एम भी पता है आपको, एम बी भी पता है, दोनों को ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ब्रेथ मिल जाएगी, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, यानी कि आपको अगर एरिया लिखना है तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 25 और ब्रेथ कितनी है 12, ये मिला है और 21/3 ये मिला है, यानी कितना हो जाएगा ये 12×3=36, 1/37, सही किया है ना मैंने, 14/3 है ये 14/3 है, तो 12×3=36 और 50/3 हो जाएगा ये 50/3 और गुणे 25, तो 125 यानी 1250/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, अगर आप समझ पाए हो तो। जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है एक रेक्टेंगल है PQRS और जिसमें PTQ एक आइसोसेलस ट्रायंगल दिया गया है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर आपको पता हो याद हो कि अगर यहाँ पे हम राइट एंगल बना देते हैं तो ये दोनों साइड बराबर होती हैं और ये दोनों एंगल 45 होते हैं, याद हो आपको अगर, तो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, PQR ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, PTR का एरिया पूछा गया है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड या तो पता चल जाए, या तो बेस पता हो, हाइट पता हो, हाइट तो पता ही नहीं हमें, हाइट अगर नहीं पता तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ 45 लिख रहे हैं, यहाँ भी थीटा, अगर ये एंगल दोनों पता चल जाए, उनके बगल वाली साइड पता चल जाए, तब आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आपको दिया गया है PQ3 दिया गया है और ये 4 दिया गया है ना, ये 4 और ये 3, तो ये तीसरा 5 हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता होगा ये 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल है। तो अगर ये 5 हो गया, एक साइड पता चली, दूसरी साइड कैसे आएगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये ए है, ये ए है, तो ये ए रूट 2 होता है, आपको पता है ए रूट 2 होता है, और जिसकी वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 4/√2, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 2√2, यानी ये रेशियो हो गया, मतलब ये साइड आ गई 2√2, ये साइड पता है, ये साइड पता है, हमें बीच का एंगल पता है, तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना आ जाएगी, जो हमसे पूछा गया है, हाफ साइड का मल्टीप्लीकेशन, यानी ए बी 5 है ये, और साइन थीटा, थीटा मतलब 45 और थीटा दोनों पूरा एंगल लेंगे ना, ये पूरा एंगल आपने पढ़ा हुआ है, हाफ ए बी साइन थीटा बीच का एंगल। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा, 2 से कैंसिल करिए, ये 5√2 बचेगा, और यहाँ से ये कितना आएगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी, यानी कितना आएगा, साइन 45
और कॉस थीटा कॉस 45 साइन थीटा, यही आएगा। अब यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा पता होना चाहिए और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले तो पूरे में से साइन 45 कॉस 45 वन बाई रूट टू होता है, वन बाई रूट टू हम कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा ये बता दीजिए। कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा हम निकाल लेते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, क्योंकि पता है आपको ये पूरा क्या था, रेक्टेंगल था, तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब इसमें आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस थीटा कितना आएगा, देखिए थीटा से लगी हुई साइड ये बेस हो जाएगी और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 आ जाएगी। और प्लस यहाँ पे बचा है साइन थीटा, साइन थीटा की भी वैल्यू यहीं से आएगी, ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, तो 3/5 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी 7/5 यहाँ से आ गई, और ये कैंसिल कर दीजिए, 5 × 7/5 ये कैंसिल हुआ, आंसर आएगा 7। मुझे लगता समझ पाए होंगे, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था आपको, देखिएगा फिर से। देखिए अब अगली चीज़ जो पढ़नी है आपको, रॉम्बस पढ़ना है। रॉम्बस मैंने बताया हुआ है आपको किसका सदस्य है, किस फैमिली से है, पैरेललोग्राम फैमिली से। पैरेललोग्राम के बारे में जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी, केवल पैरेललोग्राम से ये थोड़ा सा अलग होता है, कैसे होता है वो समझिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में ही जो लिखा होता है वो लिखा होता है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल हो जाए, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल हो जाए वो क्या हो जाता है, रॉम्बस हो जाता है, ठीक है। जिसके सभी एंगल नहीं इक्वल होने चाहिए, केवल साइड एंगल इक्वल हो जाएंगे तो वो बना देगा तुरंत स्क्वायर, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या पता चला कि ऐसा पैरेललोग्राम होगा जिसकी सभी साइड इक्वल होगी, मतलब चारों की चारों साइड इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखेंगे, ईच साइड इक्वल होती है, फिर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको पता होगा। पैरेललोग्राम का जो भी कुछ पढ़िएगा उसमें अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन सभी एंगल नहीं इक्वल होंगे, नहीं तो ये फिर से वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपको क्या पता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं वो हमेशा रहेंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं वो हमेशा रहेंगी। अगर पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं मतलब इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, ये बातें क्लियर होंगी आपको। फिर आपको अपोजिट एंगल समझ में आ गया। आपको अगर नेक्स्ट लिखना हो तो अगर पहला विकर्ण हम खींचते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि विकर्ण क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एकदम बराबर बराबर होंगे, एरियाज बराबर होंगे। इसी तरह अगर हम दूसरा विकर्ण खींच देते हैं तो ये क्या करता है, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये सारी चीज़ें आपने पैरेललोग्राम पे पढ़ी हैं, वही चीज़ें यहाँ भी फॉलो हो रही हैं। केवल एक नई चीज़ जो पढ़नी है ये है कि ये दोनों जो विकर्ण होते हैं ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, यानी आप क्या लिख सकते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट लिख देते हैं ना, बराबर बराबर बांटते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं और 90 अंश पर कट करते हैं। ये देखिए 90-90 होगा और ये एक दूसरे के बराबर होगा, ये बात क्लियर है आपको। अब अगली चीज, इसमें एक चीज़ और याद करनी है आपको कि कभी भी डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये आपको याद रखना है क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं। डायगोनल्स केवल और केवल एक जगह बराबर होते हैं, वो होता है स्क्वायर, स्क्वायर के अलावा कहीं भी डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। और 90 डिग्री कहाँ पे होता है, केवल और केवल दो जगहों पे, समचतुर्भुज यानी रॉम्बस में और स्क्वायर में, ठीक। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर आपको हम बार बार लिख के नहीं दिखा रहे हैं, इन चारों का एरिया बराबर होता है, आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, कहीं भी समांतर चतुर्भुज मिले यानी समांतर चतुर्भुज की फैमिली के चारों लोग कहीं पर मिल जाए तो उनके सभी चारों एरियाज बराबर होंगे, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ये तो श्योर होगा। ये नई प्रॉपर्टी आ जाएगी कि इसमें 90 डिग्री पे काटेंगे, बाकी में 90 पे नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, इसमें कुछ नया नहीं बताना है। अब आते हैं हम पैरामीटर पे। पैरामीटर क्या हो जाएगा, अगर इनकी सभी साइड को हम ए ए मान लें तो इनका पैरामीटर हो जाएगा
फोर ए, ठीक है, इनका पैरामीटर 4a हो जाएगा। पैरामीटर अगर आपको पता चल गया तो सेमी पैरामीटर आधा होता है 2a, आप निकाल लेंगे, हमें भरोसा है आप पे। अच्छा, जो भी हमने आपको फार्मूले बताए हैं एरिया के, वो सारे एरिया के फार्मूले इस पे भी अप्लाई होंगे जो हमने क्वाड्रिलेटरल में शुरू में पढ़ाया था, स्केलन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वो सारे एरियाज़ के फार्मूले हर जगह अप्लीकेबल हैं, बार बार मैंने बताया है, भूलिएगा मत, ठीक। अब इसमें आपने पैरेललोग्राम में कुछ एरिया के फार्मूले पढ़े थे, वो सारे भी यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। कौन कौन से? जैसे आपने पढ़ा है हाइट इंटू बेस, वो तो हमेशा अप्लीकेबल होगा यहाँ पे भी, हर जगह कहीं भी पैरेललोग्राम मिले। तो एरिया क्या होती है? हाइट इंटू बेस, ये यूनिवर्सल फार्मूला है पैरेललोग्राम के लिए, ठीक। फिर दूसरे तरीके से हम एरिया अगर निकालना चाहें, आपको पता है हाफ डी वन डी टू साइन थीटा होता है, डी वन डी टू मतलब दोनों डायगोनल्स, और साइन थीटा मतलब इनके बीच बना एंगल, एंगल कितना बना है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है, इसलिए इसको हटा देते हैं, और साइन 91 होता है, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, तो ये आ जाएगा दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हम लिखते हैं एरिया। एरिया क्या होता है कि अगर आपको ये साइड्स पता हो, इनके बीच का एंगल पता हो, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर साइन थीटा, ये भी होता है एरिया। और कोई एरिया होता है? बस इतने ही तरह से एरिया पढ़ा जा सकता है, आपको एरिया का फॉर्मूला 3 ही पता है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या पढ़नी है आपको, वो होता है, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के, मतलब साइड कितनी है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितनी बार स्क्वायर हो गया ए का? 4 टाइम्स। ये किसके बराबर होगा? डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के। तो ये याद रखिएगा, इस पर बहुत सारे फार्मूले, इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम फार्मूले मैंने बता दिए हैं। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, एक चीज़ आपको ये देखना है कि कभी भी आपको मिड पॉइंट्स बनाना मिले, मतलब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए, तो क्या बनता है? वो हमेशा स्क्वायर बनता है। ये आप समझ लीजिए कैसे बनता है, ठीक है। लास्ट चीज़ है इसमें, अगर मैंने एक बना दिया, मान लीजिए इक्वल नहीं होगा तो आप इक्वल मान लीजिएगा, ठीक है, इसकी सारी साइड बराबर होती है। अगर इसके हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो एक लैंग्वेज लिख लीजिएगा पहले कि सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। ये पूछा जाता है, थ्योरी में पूछा गया है कई बार। ये कैसे बनता है ये देख लीजिए बस। आपको पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर हमने ये डायगोनल मान लीजिए खींच दिया, ये डायगोनल खींचा, तो ये डायगोनल इसके पैरेलल होगा। क्यों होगा? आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। थ्योरम आपने पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर वो लास्ट नीचे वाली जो बेस होता है, बेस की ये पैरेलल होती है और आधे के बराबर होती है। तो एसी का ये क्या होगा? आधा होगा, समझ गए। और ये भी क्या होगा? एसी का आधा, सेम चीज़ है। अब इधर वाला खींच दीजिए डायगोनल, सेम यही काम करिएगा। ये वाला जो होगा ये इसके पैरेलल होगा और इसके पैरेलल होगा, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? बीडी का आधा हो जाएंगे, बीडी का आधा और बीडी का आधा। अब आप देख रहे हैं अपोजिट साइड इक्वल है, चारों साइड नहीं इक्वल है, सॉरी वर्ग मैंने बोल दिया है, रेक्टेंगल होता है, सॉरी। वो आप करेक्ट कर लीजिएगा कि किसी भी समचतुर्भुज यानी रोम्बस के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना चतुर्भुज वर्ग हो, सॉरी रेक्टेंगल होता है, सॉरी हमेशा स्क्वायर ही दिमाग में आ रहा है, रेक्टेंगल होता है यानी आयत होता है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। कैसे होता है ये समझ लीजिए, आपको ये पता चल गया अपोजिट साइड इक्वल है। अब आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री पर कट करते हैं ना विकर्ण इसके, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर ये 90 डिग्री है और ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 होगा, ये दो लाइन भी पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 होगा, तो चौथा एंगल भी 90। इसी तरह आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं ये सब सारे के सारे 90 होंगे। तो ये अगर 90 हो गया और अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ये आयत होगा, रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल लिखिएगा, स्क्वायर मत लिखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने लगभग चीज़ें आपको बता दी हैं रेक्टेंगल में और आपको रोम्बस में मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ और टॉपिक्स।
और इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको बताएंगे, ठीक है? तब तक अपना और सबका ख्याल रखिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से, कोविड बहुत तेज़ फैल रहा है और ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बचे रहिए। थैंक यू वेरी मच।